हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी ब्यूटी स्टोर। गाइस, मैं हूं नंदिनी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं 3 स्टेप के साथ में फेशियल। जी हाँ, पार्लर में काफी महंगे महंगे फेशियल कराने पड़ते हैं और आप जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एकदम फ्री की टिप्स। आपको पार्लर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बिल्कुल 1 से 5 या 10 फेशियल भी अगर आप ले लेते हैं ना, तो उससे भी बेटर इस रेमेडी में ग्लो आने वाला है। ये रेमेडी जो है ना, आपकी स्किन को एकदम डीपली क्लीन बना देगी। क्लीन करने के साथ में अगर आपकी स्किन पर एक्ने प्रॉब्लम है तो उनको दूर करेगी, आपकी स्किन पर किसी भी तरीके के दाग धब्बे हैं तो उनको दूर करेगी, और साथ ही साथ आपको एक बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस देगी। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, तभी मैं अपनी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगी। यानी कि आपको महंगे महंगे किसी भी चीज की किसी भी इंग्रेडिएंट्स को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उन चीजों से दूर ले जाकर आपको बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल नेचुरल तरीके की रेमेडीज बताती हूँ, जिन्हें अगर आपने घर में कर लिया तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। बट मैं हमेशा अपनी रेमेडी में कहती हूँ आप लोगों से, अपनी वीडियोज में एक बात कहती हूँ कि थोड़ा सा विश्वास और फेथफुल होकर ही हम अगर किसी काम को करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ लेते हैं अपनी वीडियो में। मैं फालतू आप लोगों को बहुत ज्यादा क्या बोल के बताऊं, ये वो, एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये होममेड रेमेडी काम करती है या नहीं। यानी कि जिनके पास अगर पैसा नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पाते, या पार्लर जाने का समय नहीं है, तो गाइस ये घर की ही चीजों से आप अपनी स्किन की बहुत अच्छी केयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज बढ़ते हैं अपने होममेड फेशियल की तरफ। तो मैं आज की वीडियो में ना आप लोगों को होममेड फेशियल बताने वाली हूं कि किस के साथ 3 स्टेप के साथ में अपने किचन के इंग्रेडिएंट्स के साथ में आप अपने लिए एक बढ़िया सा बेहतर सा एकदम फेशियल बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर ये एक टमाटर ले लिया, ठीक है, और टमाटर के साथ में गाइज मैं यहाँ पर ऐड करूंगी ये नींबू। अब इसका क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी हमें इसका क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तैयार करूंगी गाइज मैं यहाँ पर फेस की क्लींजिंग, ठीक है। आपने देखा है कि आप जब भी पार्लर में जाते हैं, जब आप कोई भी फेशियल कराते हैं, तो सबसे पहले आपकी फेस की क्लींजिंग की जाती है। तो यहाँ हम क्लींजिंग करेंगे अपने टमाटो के साथ, यानी अपने टमाटर के साथ में। इससे क्या होगा, जब हम अपने फेस की डीप क्लींजिंग करेंगे तो वो अंदर ओपन पोर्स से अंदर जाने के बाद में ये रेमेडी आपकी स्किन को एकदम ब्राइट और क्लीन करेगी, आपकी एक्ने प्रॉब्लम दूर करेगी, स्किन को डीपली क्लीन करेगी। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना क्लींजिंग बना लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर टमाटर को कट कर लिया, ठीक है, और अब मैं ले लूंगी यहाँ पर ये कद्दूकस और इससे मैं इसको कद्दूकस कर दूंगी, देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमें इसका पल्प चाहिए, ठीक है, टमाटर का। इस तरीके से आपने अच्छे से ना इसका पल्प निकाल लेना है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने आधे टमाटर का पल्प निकाल लिया, ठीक है। अब इसके अंदर ना मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगी नींबू। गाइस, आप चाहे तो इसके अंदर कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास कच्चा दूध नहीं था, खत्म हो गया था, इसलिए मैं नींबू का ऐड कर रही हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों चीज के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको सनबर्न की प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी, यानी इस तरीके का क्लींजिंग बहुत अच्छा है। और अगर आपकी स्किन फ्रेश है तो आप कच्चे दूध को मिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसे मैं अच्छे से ना मिक्स कर लूंगी, और मिक्स करने के बाद में गाइस मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फेस की में फर्स्ट स्टेप के साथ में किस तरीके से क्लींजिंग करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है और मैं अब आपको क्लींजिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइस, आप जब भी क्लींजिंग करेंगे, कोई भी स्टेप करते हैं, आप कोई भी रेमेडी, कोई भी फेस पैक लगाते हैं, तो सबसे पहले गाइस आपको अपने फेस को वॉश कर लेना, यानी कि अगर आपने किसी भी तरीके का कोई मेकअप कर रखा है तो उसको आप रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया था, वैसे भी ये वीडियो जो है मैं सुबह डे में ही इसे शूट कर रही हूँ, तो फेस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, बिंदी आप लोगों के सामने निकाल ही दी, ठीक है। तो गाइस, अब आपने क्या करना है, आपको ले लेनी है कॉटन, ठीक है। कॉटन को इस क्लींजिंग में आप जो है डिप करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। डिप करने के बाद में गाइस आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से डिप करके हल्का सा निचोड़ेंगे, ये देखिए, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा कहीं इधर उधर बहकर ना जाए। और उसके बाद में आप अपने फेस की इससे क्लींजिंग करेंगे, ये देखिए। जैसे आपने देखा ना, जब आप पार्लर में फेशियल कराने के लिए आते हैं, जाते हैं, तो वहां सबसे पहले आपके फेस की जो है क्लींजिंग की जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप अपने फेस की क्लींजिंग करेंगे। ये क्या काम करेगा ना गाइस, मैंने आपको बताया ही है कि ये आपके डेड सेल्स निकालने में रिमूव करेगा, बहुत आसानी से आपकी स्किन की जो गंदगी है ना उसको निकालने में काफी मदद करेगा। ये देखिए, इस तरीके से आपने देखा है ना, हमारा टी जोन एरिया ज्यादा ब्लैक हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो गाइज, इस तरीके से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पार्लर में जाकर के महंगे महंगे फेशियल करा पाएंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि गाइज कई बार
ज़्यादातर ना वुमेंस के साथ ऐसा होता है कि नहीं जा पाती हैं, जिम्मेदारियाँ घर में इतनी होती हैं, घरेलू लेडीज़ नहीं निकल पाती हैं पार्लर में, या उनके पास जब भी टाइम होता है शादी ब्याह में कि एक बहाना होता है कि हाँ उस टाइम चली जाएंगी, लेकिन रेगुलर केयर नहीं कर पाती। तो गाइज रेगुलर केयर में तो आप अपनी रेमेडी को ही यूज़ करें, ठीक है, रेमेडी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो और नींबू गाइज आप जानते ही हैं कि नींबू आपके चेहरे के कालेपन को बुरे तरीके से एकदम निकाल देगा, काट देगा, धीरे धीरे आपकी स्किन के मैल को भी निकालना स्टार्ट कर देगा। तो आप हमेशा कोई भी रेमेडी करते हैं ना, गर्दन को बिल्कुल भी ना जाने दें गाइस, क्योंकि गर्दन और आपके फेस का जो एरिया है ना वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया और अब मैं इसे जो है थोड़ी देर के लिए लगा रहने दूंगी, तब तक ना मैं अपना नेक्स्ट स्टेप तैयार करूंगी, तब तक ये मेरी स्किन पर जाकर वर्क करेगा और उसके बाद में मैं इसे निकाल दूंगी। ये देखिए गाइस इस तरीके से मैंने अपने फेस को जो है क्लीन कर लिया और अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। तो ये देखिए गाइस नेक्स्ट रेमेडी के लिए मैंने ले लिया यहाँ पर 1 चम्मच बेसन, आप चाहे तो राइस फ्लोर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, ठीक है, क्योंकि बेसन भी हमारी स्किन की डीपली क्लीनिंग करता है और एक फेशियल या फेस मास्क बनाने में ये हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। बेसन आप जानते हैं हमारी स्किन का कलर भी फेयर करता है, स्किन को ब्राइट और टाइट बनाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम क्या ऐड करने वाले हैं, ये देखिए यहाँ मैंने बेसन ले लिया ना गाइस, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, ये देखिए 1 से 1.5 चम्मच दही ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी रेमेडी आपको बताती हूँ ना गाइस, आप उसे फुल बॉडी यूज़ कर सकते हैं, तो बस इतना आप अंदाज़ा लगा लेंगे। तो ये मैं अपने फेस और नेक तक के लिए ही बना रही हूँ, ये देखिए, और अच्छे से ना मिक्स करेंगे, देखिए, ताकि इनमें लम्स नहीं रहने चाहिए, एक अच्छा और स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो जाए, क्योंकि यहाँ ना हम अपना स्क्रब तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या काम करेगा गाइस, इससे हमें अपनी स्किन की मसाज करनी है, डेड सेल्स को निकाल देगा, स्किन पर जो भी गंदगी है उसको निकालने में बहुत मदद करेगा गाइस, ठीक है। अब इसमें क्या मिक्स करना है मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए आपको ले लेना है थोड़ा सा देसी कपूर, जो अक्सर सबके घरों में पूजा के लिए मिल जाता है, बट अगर आपके घर में ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ मैं जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो जाती हैं या पिगमेंटेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्किन पर दाग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनको रिमूव करने में कपूर बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अगर कपूर नहीं है तो ऐसा नहीं है, कपूर नहीं है तो आप रेमेडी नहीं कर पाओगे, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप कपूर को इसके अंदर डाल लेंगे, तो हमारे यहाँ पर 3 इंग्रेडिएंट्स जो है मिक्स हो गए, हमने बेसन ले लिया, हमने दही ले लिया, हमने कपूर ले लिया, और अब मैं गाइस इसके अंदर डालूंगी तिल का तेल, ठीक है। अगर आपके पास में नारियल का तेल है तो आप नारियल का भी तेल डाल सकते हैं। तो ये कोई 4 से 5 बूंद के समथिंग आप इसमें ये ऑयल मिक्स करेंगे। ऑयल गाइस तिल का तेल ना हमारी स्किन के जो है ना दाग धब्बों को भी रिमूव करने में बहुत मदद करता है। अगर आप खाली जैसे नारियल के तेल की मालिश करते हैं ना, अगर आप ऐसे तिल के तेल की डेली अपने फेस पर मसाज करेंगे तो आप अपने चेहरे को इतना बेस्ट बना लेंगे। लेकिन बस यही है ना कि लोगों को थोड़ा पता नहीं होता है कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है। तो उसके लिए मैं आपसे बोलती हूँ ना कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ना बिल्कुल अपने चैनल पर एकदम नेचुरल रेमेडीज़ बनाकर देती हूँ, ठीक है। तो तिल का तेल बहुत अच्छा काम करता है, स्किन को अंदर से नरिश करता है, ओपन पोर्स को क्लियर करता है और एक्स्ट्रा ऑयल को खत्म कर देता है, स्किन को एकदम स्मूथ टेक्सचर देता है, ठीक है। तो ये देखिए गाइस ये मेरा स्क्रब बन करके तैयार है। गाइस कपूर के कारण खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और इसके अंदर जो है बेसन के अंदर बहुत अच्छी खुशबू होती है, आपने भी देखा है, और बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। पुराने ज़माने से दादी माँ नानी सब लोग यही चीज़ें यूज़ करती आ रही हैं, आपने देखा होगा कि उन लोगों की जो स्किन होती है कितनी अच्छी लगती है, कितनी ब्राइट लगती है। तो हमें बढ़ना है अपनी नेचुरल चीज़ों की तरफ गाइस, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जो आपने क्लिंजिंग की थी, जो मैंने यहाँ क्लिंजिंग की थी उसको मैं निकाल दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए लगी हुई है ना, इसने क्या काम किया, ये मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई और एब्जॉर्ब होने के बाद में ये मेरी स्किन को डीप क्लीन कर देगी, ठीक है। तो अब मैं आपको स्क्रब लगाकर बताऊंगी। तो पहले मैं अपने फेस को जो है क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है, यानी जो मैंने टमाटर की क्लिंजिंग की थी उसको मैं क्लीन कर लूंगी। गाइस ये होम रेमेडीज हैं, ये बिल्कुल इतना अच्छा वर्क करती हैं आपकी स्किन पर, लेकिन आपको इनको रेगुलर यूज लाना होगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप अपनी स्किन को अच्छा कर लेंगे। और ये महंगे महंगे ट्यूब, महंगे महंगे फेशियल, महंगे महंगे ट्रीटमेंट जब तक आप कराते ही हैं ना, तब तक ही आपकी स्किन बेस्ट रहती है। अगर आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट चाहिए, स्किन को बिल्कुल दाग धब्बे की तरह क्लीन अलग ही कर देना है, इन चीज़ों से अपनी स्किन को दूर कर देना, तो गाइज आपको इस तरीके से होम रेमेडीज करनी होगी, ठीक है। तो चलिए गाइज अब हम अपना स्क्रब कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आप अपना बॉडी अपने हाथ पैरों पर भी इसकी मसाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज चलिए अब हम अपने स्क्रब की तरफ बढ़ते हैं।
इस तरीके से। ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही सादा हुआ बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स है गाइस, यानी बहुत अच्छी रेमेडी है जिसे करने से ना आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाएगी गाइस, धीरे धीरे ग्लो करना स्टार्ट करने लगेगी। सब पूछेंगे आपसे कि कहाँ और किससे फेशियल कराया है, ठीक है, तो आप अपना फेशियल खुद ही करिए बिल्कुल घर बैठे एकदम फ्री में, यानी जो सारी चीज़ें हैं सब आपके किचन में ही अवेलेबल होगा। ये देखिए इस तरीके से आपको मसाज करें, तो मसाज गाइस आप ना 10 से 15 मिनट करेंगे। तो यहाँ पहले मैं आपको मसाज करके दिखा देती हूँ, अच्छी सी मसाज करेंगे, आप अपनी आईज को भी कवर कर लेंगे साथ की साथ, ताकि आपके डार्क सर्कल की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाए। ये देखिए इस तरीके से, सुबह के टाइम में कर रहे हैं ना गाइस, तो नहाने से पहले कर लें, ठीक है, और अगर आप नाइट में कर रहे हैं तो रात को करके सोने से पहले से कर लें, ठीक है, क्योंकि ना रेमेडीज को करने के बाद, जैसे कि आपने देखा जब आप पार्लर पर फेशियल कराते हैं तो ये सब करने के बाद ना आपको धूप में नहीं निकलना होता है, वरना ना सूरज की जो किरणें होती हैं वो आपकी स्किन को ब्लैक कर देती हैं, और यहाँ जो हम मसाज करते हैं ना उसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है, स्किन एकदम बेकार और काली पड़ने लगती है, चाहे आप फेशियल कराइए चाहे आप रेमेडी करिए। तो उसके लिए आप ये है कि रेस्ट चाहिए, तो सुबह नहाने से पहले कर लीजिए या रात को सोने से पहले कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मूवमेंट चलाने गाइस राउंड राउंड, और आप देखेंगे ना कि 10 मिनट के बाद ना आपका चेहरा इतना ग्लो करने लगेगा और काफी शाइन, और दाग धब्बे एकदम से जो गाइस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, आप सोचो कि एकदम स्किन पर जमा हो जाते हैं। आप जब इस रेमेडी को रेगुलर करेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो आपकी स्किन पर से धीरे धीरे फटने लग रहे हैं, और जब फटने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी स्किन पर वर्क हो रहा है, आपकी स्किन पर जहां भी ब्लड रुक चुका है वो अपने आप सेट हो रहा है, और उसके बाद में आपके दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। तो गाइस सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है ना हमारे चेहरे पे, उसका असर ना हमारे खान पीन के कारण होता है, ठीक है। तो अच्छी डाइट लें, खूब पानी पिए, अच्छा खाएं, ये आपके जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह इनको आप अपनी डाइट में शामिल करें, और फ्रूट्स आपने देखा ना फूड जो होता है, हम लोग जो बर्गर चाउमीन कभी कभी, चलो हो जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं खाती, मैं भी खाती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर आप रेगुलर इसे यूज में लाते हैं ना तो ये आपकी स्किन का ना ग्लो भी निकाल लेते हैं और आपकी स्किन को एकदम भद्दा बना देते हैं, बहुत गंदा बना देते हैं। आप देखते हैं ना आजकल के बच्चों को, 12-12 13-13 साल के बच्चे, उनके चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं, चेहरे पर गंदगी जमा हो रही है, एकदम दाने आ रहे हैं, ये सब एलर्जी है, ये फूड्स एलर्जी है गाइस, ठीक है। तो कोशिश करें आप इन चीज़ों से दूर रहें, खाना है तो घर पर ही बनाकर खाएं, ठीक है। पता नहीं बाजार के मसाले होते हैं, क्या क्या चीज़ें इनके अंदर मिक्स होती हैं, क्या क्या मिला हुआ होता है, तो कोशिश करें अगर आपको अपनी स्किन हेल्दी रखनी है, खुद को अच्छा रखना है, तो इन चीज़ों से दूर होना होगा गाइस, ठीक है। तो कम से कम गाइस आप इसकी 10 से 15 मिनट की मसाज करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ आप पानी का यूज करेंगे। गाइस एक चीज आपको बता दूं, अगर आप कच्चा दूध साथ में रख के मसाज करेंगे ना, जैसे ये फेशियल करेंगे आप, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि कच्चा दूध ना स्किन, जली हुई स्किन तक को ठीक कर देता है गाइस, तो दाग धब्बे तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो आप भी यूज करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मेरी बताई गई रेमेडी सच में आपको कैसी लगती है, कितना वर्क करती है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो, जिस तरीके की प्रॉब्लम हो, प्लीज मुझे कमेंट करें, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जवाब दूंगी, यानी वीडियो बना करके आप लोगों के लिए दूंगी कि आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को घर पर बैठे बैठे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस गाइस थोड़ा सा आपको अपने लिए समय निकालना होगा, और कुछ भी नहीं, आप इन महंगे महंगे ट्रीटमेंट से बच जाएंगे, क्योंकि आपने देखा है पहली बार तो असर ही नहीं होता है, और जब असर होने लगता है तो जब तक आप लगा रहे हैं तभी तक असर, उसके बाद स्किन पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है, ठीक है। फेशियल कराना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास में पैसा है, आपके पास टाइम है, तो आप पार्लर में जाकर रेगुलर यानी कि मंथ में एक बार फेशियल जरूर कराएं। बट अगर आप नहीं करा पाते हैं टाइमिंग के कारण या किसी और वजह के कारण, तो गाइज आप इस तरीके से हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी हमेशा केयर करते रहें, आपको पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी महंगे महंगे फेशियल को लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिए इस तरीके से आपको अपने नोज की मसाज करनी है, और अब मैंने इसके अंदर जो कपूर ऐड किया है वो इतना ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है गाइस, आपकी स्किन के एक्ने को तो बिल्कुल रिमूव कर देगा।
ये देखिए गाइज, जो मेरे पास में क्लिनजिंग वाला पल्प बचा था टमाटर का, उसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं मिला लूंगी यहाँ पर एक चम्मच शहद। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा टमाटर का पल्प हो गया, नींबू का रस हो गया और मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया शहद। ठीक है, तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद में गाइज ये हमारा एक अच्छा सा फेस मास्क बन जाएगा। ठीक, तो गाइज मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, तब तक मैंने ये पैक रेडी कर लिया था, यानी हमने क्लिनजिंग कर ली है, क्लिनजिंग के बाद में स्क्रब कर लिया है, मसाज हो चुकी है और अब हमारे तीसरे इंग्रेडिएंट की बारी आती है हमारे फेस पैक की। ठीक है, तो यहाँ मैंने टमाटर का जो पल्प था, नींबू इसके अंदर ऐड था, इसके अंदर बस मैंने एक चीज बढ़ाई है, वो है शहद। ठीक है, तो एक चम्मच के समथिंग आपने भी शहद बढ़ा लेना है और जब तक आप इसको तैयार करेंगे तब तक आप अपने फेस पर इस रेमेडी को रहने देंगे और उसके बाद में आप इसे निकाल देंगे। ठीक है, तो अब मैं पैक लगाऊंगी, तो इसके लिए मैं अपने फेस को क्लीन करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि फेस कितना अच्छा लग रहा है, यानी स्किन मेरी कितनी अच्छी लग रही है, कितना ग्लो भी करेगी। ये देखिए गाइस, फेस को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, आप मेरा फेस देख सकते हैं कितना ब्राइट नजर आ रहा था और ग्लो भी कर रहा था। गाइस अब हम लगा लेते हैं अपना फेस पैक। ये देखिए, इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस पर इसे फेस से लेकर नेक तक लगा लेना है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आपकी तीनों ही चीज़ें हो गई, क्लिनजिंग हो गई, आपका फेशियल यानी मसाज भी हो गई, स्क्रब भी हो गया आपका, और अब आपका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट था जो फेस पैक, वो भी यहाँ बना करके मैंने आपको दिखा दिया। तो है ना कितना ईजी, सब कुछ आपकी किचन में ही मिलने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अलग से खरीदना पड़ जाए, है ना। हाँ, कोई एक चीज़ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है उसके बिना रेमेडी नहीं बनेगी, जी बिल्कुल बन जाएगी, कम से कम आपकी स्किन की केयर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां मैं इसे लगाकर छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद मैं फिर से मिलती हूँ और दिखाती हूँ आपको अपने फेस की कंडीशन। ठीक है, तो ये देखिए गाइस, फेस नोज देखिए आप मेरी कितनी क्लीन लग रही है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप भी अपनी स्किन की केयर करेंगे, तो मैंने पानी से देखिए धो लिया, अच्छे से क्लीन कर लिया, आपको भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। जैसे मैंने बताया, आप अगर सुबह डे में कर रहे हैं तो नहाने से पहले करें और नाइट में कर रहे हैं तो सोने से पहले कर ले। ठीक है, क्योंकि नाइट में हमें एक रेस्ट मिल जाता है और सुबह उठकर जब हम स्किन देखते हैं तो उसको जो रात भर का रेस्ट मिलता है ना मसाज होने के बाद में, वो अपने आप चेहरा ग्लो करने लगता है, स्किन अपने आप स्मूथ टेक्चर हो जाता है, स्किन ब्राइट नजर आने लगती है। तो बस आप क्या करें, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने बाद में जो भी आप लोशन अपने फेस पर लगाते हैं, बॉडी लोशन या फेस की कोई भी क्रीम लगाते हैं तो आप उसे लगा सकते हैं। तो मैं तो फिलहाल क्या है, कुछ नहीं लगाऊंगी, इसके बाद बस मैं कोशिश करूंगी कि मैं लगाऊंगी नारियल का तेल। ठीक है, कोशिश करें, आपके स्किन पर अगर दाग धब्बे हैं, सनबर्न की प्रॉब्लम है, झाइयों की प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम कोई भी आपकी स्किन पर है, तो आप कोशिश करें कि आप मतलब नारियल के तेल की मसाज करें। ठीक है, आप बादाम के तेल की मसाज करें, आप तिल के तेल की मसाज करें, बस आपको जो भी सूट हो जाए आपको उसकी मसाज करनी है। ठीक है, और अगर आपको ऑयल सूट नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, आप रेमेडीज के अंदर उनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको अपने बेसन वाले स्क्रब में करके दिखाया। ठीक है, इसके बाद में आपको मॉइस्चराइजर लगा लेना है अगर आपकी स्किन ड्राई है। ठीक है, तो फिलहाल अक्टूबर का मौसम आपको मालूम है चल रहा है और इसमें थोड़ी थोड़ी स्किन ड्राई होने लगती है, थोड़ी फटने भी लगती है शुरुआत में, तो आपने जो है अपने चेहरे पर जो है मॉइस्चराइजर लगा लेना है। तो फिलहाल तो देखिए काफ़ी स्मूथ भी लग रही है और अच्छा लग रहा है, जो भी आप करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा और आप मुझे कॉमेंट भी कर देंगे कि हाँ दीदी कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, कितना अच्छा इसने वर्क किया है। सो बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और मुझे ढेर सारा प्यार दें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर देती हूँ आपको एकदम नेचुरल हर्बल रेमेडीज़ के साथ में प्रेजेंटेड अपनी, यानी कि मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ ना बिल्कुल एकदम सच के साथ बताती हूँ कि हाँ कितना अच्छा काम कर रही हैं। सो बाय गाइस, टेक केयर।